नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो कक्षा 8वीं की हम लोग देख रहे थे संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग दो चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका तीसरा है, खनिज और शक्ति संसाधन। मैं बार बार एक बात दोहराता आया हूँ कि आपको इन सभी बुक्स को बड़े ध्यान के साथ और बड़ा ध्यान रखकर पढ़ना है। अगर आप लोग ध्यान रखकर पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि इन सभी बुक्स को एक कहानी का रूप देकर लिखा है, उसी आधार पर आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है ये बुक्स। और जब आपने देखा होगा कि सरल शब्द होते हैं तो पढ़ाई से मन या किताब पढ़ने से ऊब जाते हैं। तो आपको ऊबना नहीं है, बड़े अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। क्री सुकांत ने से मिलने धनबाद के निकट उसके पितृक स्थान पर जा रही थी। क्री विशाल काले चित्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुक्रांत ने उत्तर दिया। देखिए, खनिज क्या है? क्री पूछती है। सुक्रांत कहता है, क्या आपने कभी नानवाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। एक खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्थल और अंटार्कटिका। आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी एक खनिज ही है। ठीक है, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, खनत्व, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिज, बात करते हैं खनिज के प्रकार। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी पर 3,000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। आपके संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य, धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। खनिज धात्विक और अधात्विक। धात्विक में जैसे आपका लोहा हो गया, आलोय, सेल। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह आपका सेल होता है। सेल जिन जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। बात करते हैं धात्विक। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिनमें धोती या फिर चमक की विशेषता होती है। धातुओं में लोहे अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं धातुओं के। धात्विक खनिज लोहे अथवा आलोय हो सकते हैं। लोहे खनिज जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। आलोय खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे आपकी सोना, चांदी, तांबा या फिर सीसा हो सकती है। अधात्विक की बात करें तो खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अभ्य, जिप्सन इन खनिजों के उदाहरण हैं अधात्विक खनिजों के।
खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज में आते हैं आपके। खनिजों को खनन, प्रवेदन, आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण, खनन, विवृत खनन, कूपकी खनन, प्रवेदन हो गया आखनन। देखिए यहाँ, अपतट तेल का प्रबंधन, प्रवेदन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर से जो खनिज होते हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया आपकी खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, विपेष्टीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन बेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। क्या आप जानते हैं? आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि यह सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। तांबा होगा तो तब सेल का रंग कैसा होगा? नीला। अब बात करते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतित सेलों में, जबकि अन्य औषधि सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नेय कायांतित सेल समूह, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। उत्तरी में स्वीडन में लोहे, एस ऑन्टेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के नीचे, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनियम अग्नेय और कायांतित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में आध्यात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट सन स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा पृथ्वी, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये आपका अफ्रीका, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये है आपका आर्कटिका, दक्षिणी महासागर। ये लोहा है, देख लीजिए, तांबा और बॉक्साइड। ये आपका तांबा हो गया, ये आपका बॉक्साइड। ये है आपका जैसे बॉक्साइड हो गया, ये आपका लोहा हो गया, ये तांबा हो गया। ये क्षेत्र है जहां पाया जाता है तांबा, लोहा, तामा, लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, याद रखिए। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लोहे अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप की बात करें, यूरोप विश्व में लोहे अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहे अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं।
याद रखना, रूस आपका जो देश है ये यूरो में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। तो निकिल खनिजों के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में, जो हिस्सा रूस का यूरोप में पड़ता है उसमें। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सेल्ट प्रदेश में, अपलेशियन प्रदेश, और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लोएस्ट निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन सील प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप। चलिए इस मैप को देख लेते हैं एक बार। कोयला, ये आपका खनिज, जैसे खनिज है ये कोयला, यहाँ कोयला आपका, ये भारत में देखिए दक्षिणी भारत में कोयला, यहाँ कलकत्ता के पास कोयला, ये आपका खनिज तेल हो गए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन में के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अपरक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। व्यक्ति 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने और पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अब चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जारे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, लोएस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज यहाँ के। तेल आपका नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाए जाते हैं। चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोएस्क, टिन और निकिल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़े निक्षेप हैं आपके। चलते हैं हम लोग अंटार्कटिका पर। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्व अनुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुविकसित है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में कि प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहे, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। अब बात करते हैं खनिजों के उपयोग। आखिर इनकी खुदाई की जाती है, इतनी चर्चा में रहती है तो इनका उपयोग भी तो होगा खनिजों का। चलिए उन उपयोगों को देखते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज पर्याप्त कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाते हैं। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण, खनिज अनवकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है।
धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। इस तरह से पुनर्चक्रण खनिज हो गया। आप उसी तरह से ले सकते हैं इसे कि पानी बरसता है, फिर वो बह के वापस वाष्प के द्वारा फिर बादल में जाता है, फिर बरसता है। जिस तरह से एक क्रम चलता है, फिर चाहे आप लोग पंखे को ले सकते हैं कि घूमता रहता है, इसी तरह इसे भी पुनर्चक्रण कह सकते हैं। बात करते हैं शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक व्यतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और पृथ्वी रक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करते हैं परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग के लिए लाए जा रहे हैं, और ईंधन और जीवाश्म में ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत भी हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। क्या होती है? ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं आपके। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस तरह से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाली है। देखिए, उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती हुई महिला। अब बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इनके लाभ और हानि। खनिज तेल आसानी से परिवहनीय है टैंकर, इसका लाभ है पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। हानि इसमें क्या है? तेल अधि पिलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। प्राकृतिक गैस के भी लाभ है, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता, इसकी यही हानि। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देख लेते हैं, ईंधन और कोयला। ईंधन के लाभ देखते हैं और हानि पहले। सुपराय बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। संग्रहण में अधिक समय उपयोग प्रदूषण को फैलाने वाला हरित गृह प्रवाह में वृद्धि करता है। निर्वनीकरण, कोयला की बात करें तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। इसकी हानि है कि प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए भारी है। जल विद्युत की बात करें तो इससे लाभ और इसकी हानि, प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सस्ता भी है। हानि की बात करें तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल पिलावन, इसे स्थापित करने में खर्ची लागत, जल विद्युत, तापीय ऊर्जा सहन का दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुंचते हैं कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह
वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल खंड वो दलदल के पृथ्वी की परतों के दमने से बना है। कोयला इसलिए अंतरहित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में आपका चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस आते हैं। भारत में भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र जैसे आपके रानीगंज हो गया, पश्चिम बंगाल में झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सभी झारखंड में आते हैं। चलते हैं हम लोग पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरम बनाने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाड़ी काली द्रव्य से होती है जिसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका भेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करण शाला भेजा जाता है जहां परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेह तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य प्रमुख उत्पादक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया भी हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र जैसे असम में डिगबोई, मुंबई में मुंबई, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। पेट्रोलियम जो आपका शब्द है लैटिन के शब्द पेट्रा जिसका अर्थ है सेल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है सेल तेल। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के उत्पादक प्रमुख उत्पादक देश हैं आपके। भारत में ये जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से उन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी एक चिंता का विषय है आपके लिए। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दहन की ओर बढ़ाया जो जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे CNG एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है आपकी CNG। चलते हैं हम लोग जल विद्युत की ओर। सलल जल विद्युत परियोजना ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश से आपका जैसे पराग्वे हो गया, नॉर्वे, ब्राजील, चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं जैसे भाखड़ा नाकल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए आपका जल विद्युत जनरेटर हो गया, ये टरबाइन हो गई आपकी, ये जल आ रहा है इस तरह से बिजली उत्पन्न। याद रखिए विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला
देश कौन सा था? नॉर्वे। अब चलते हैं हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ। जानते हैं कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से? जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान 10 सेकंड का उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा पवन चलित बस अड्डा आपका स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? स्कॉटलैंड में। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव किए जा सकते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। देखिए, आप सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल, जब से आपकी मोदी गवर्नमेंट सरकार आई है, ये बड़ी आपकी परंपरा गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने में जोर देती है। पवन ऊर्जा, इसके लाभ देखते हैं और हानि। प्रदूषण मुक्त, इसका लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ। हानि की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक है पवन ऊर्जा। फिर चलते हैं हम लोग सौर ऊर्जा की तरफ। असमाप्त प्रदूषण मुक्त, इसके लाभ हुए। हानि की बात करें तो खर्चीला है, स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो लाभ इसके प्रदूषण मुक्त है, असमाप्त है। हानि की बात करें तो वन्य जीव आवास का नष्ट होना है इसका हानि, दोहन में कठिन। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो इसका लाभ है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, और हानि में आता है रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करना, और एक खर्चीला भी आपका। बायोगैस, लाभ कम लागत है इसकी, उपयोग में आसान है, जैव बृहत का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। इसकी हानि की बात करें तो हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती है। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो इसके लाभ में स्वच्छ पर्यावरण हितेशी व हर समय उपलब्ध है। हानि की बात करें तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला है। चलते हैं हम लोग पवन ऊर्जा की तरफ। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार, यह है आपकी पवन चक्की, देखिए प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है पवन फार्म। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। आणविक ऊर्जा संयंत्र, देखिए कलपक्कम में है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम होगा, थोरियम हो गए, कि परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप भी हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनजाइट जाडट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में आपका केगा है। सौर कुकर, कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें। इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतर हिस्से में रख लें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपरी ऊपर रखें, इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरे इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे धीरे आपका बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। देखिए, अब चलते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा की तरफ। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती रह जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा बना ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिस्तीन और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। आपके देखिए परमाणु ऊर्जा इस तरह से विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर, गर्म जल, भाप, टरबाइन, जनरेटर, ये लास्ट में विद्युत उत्पादन हो जाता है। इसी तरह आपका ये हो गया भूतापीय ऊर्जा, मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना इस तरह से, प्राकृतिक दरार, भाप, कुआ, जल, टरबाइन हो गई और ये जनरेटर। क्या आप जानते हैं कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? कहाँ? फ्रांस में। चलते हैं हम लोग ज्वारीय ऊर्जा की तरफ। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विद्योहन समुद्र के सक्रिय मुहाने के पास के बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छी की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। देखिए आपका ये ज्वारीय ऊर्जा निम्न ज्वार भाटा को उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। जनरेटर होगा, टरबाइन, उच्च ऊर्जा, निम्न ज्वार भाटा, निम्न ज्वार भाटा, उच्च ज्वार। अब चलते हैं बायोगैस की तरफ। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। बायोगैस कर दो, गैस ट्रैंक हो गया, मृदा, खाद, निकास और उर्वरक। ऊर्जा सर्वव्यापी है, बायोगैस ऊर्जा की सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विद्योहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित।
आप लगा सकते हैं, और याद रखिए जो आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके रख लें, और जब भी आपको टाइम मिलता है तो उसे एक बार रिविजन कर लें, वरना अगर अच्छे से सुना है आपने तो पढ़कर निकल जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें जानना है ऐसे शब्दों की परिभाषा जो नहीं, जो आगे अगर हमारी दैनिक कभी आता है तो हम उसके बारे में जान तो सकें कि आखिर बायोगैस क्या है, कैसे बनती है, क्या होता है। इससे क्या होता है कि हमारा बेस बन जाता है एनसीईआरटी से, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है एनसीईआरटी पढ़ने की। ध्यान से आप लोग डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें, जरूरत पड़ती रहती है। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। चैप्टर 4 में हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में।